वज़ीर आज़म ने इक़्तिसादी राबता कमेटी की सरबराही का फैसला वापस ले लिया। तशकील नौ का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ECC के चेयरमैन मुकर्रर। ECC अरकान में तजारत, पावर और पेट्रोलियम के वफाकी वज़रा शामिल। इक़्तिसादी उमूर और मनसूबाबंदी के वफाकी वज़रा भी कमेटी का हिस्सा। सिंध में अमन अमान को बेहतर किया जाएगा, कुछ दिनों में अच्छी खबरें आ जाएंगी। अमन अमान बेहतर हो जाएगा, सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा रमजान मुबारक में महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए सखर और लाड़काना में मीटिंग की। 5 लाख से ज्यादा घरों का काम मुकम्मल हो चुका, 2 सालों में 20 लाख घरों की तामीर मुकम्मल हो जाएगी। परवेज इलाही गिरे या तशद्दुद हुआ। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का खैबर पख्तूनख्वा के डॉक्टरों से परवेज इलाही का चेकअप कराने का मुतालबा। वजीर इत्तला'आत पंजाब अजमा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्दअमल। कहा बैरिस्टर सैफ इल्जाम लगाने से कबल अडयाला जेल हुकाम की रिपोर्ट पढ़ लेते। परवेज इलाही का इलाज करने के बजाय अपने वजीर आला का इलाज करवाए। तांगा पार्टी ने अपने हर जुर्म का इल्जाम मरियम नवाज पर लगाना वतीरा बना लिया। मरियम नवाज सूबे के अवाम की खिदमत के अलावा मुखालिफ पर तवज्जो नहीं दे रही। पंजाब हुकूमत का ईस्टर पर 10,000 मसीही खानदानों की कफालत का फैसला। मसीही खानदानों को ईस्टर के लिए 5 करोड़ की ग्रांट जारी। वजीर आला की ईस्टर ग्रांट तकसीम में शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। 10,000 मसीही खानदानों को 5,000 फीकस दिए जाएंगे। मुस्तहकीन में ग्रांट की तकसीम 4 रोज में मुकम्मल करने का हुक्म।